लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा साथ ही साथ ऑल का बटन दबा लीजिएगा कंपनी ने हर बजट के अंदर एक अपना 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर रखा है तो इससे ये पता लगता है कि 5G जो है वो जल्द ही आ जाएगा यानी कि एक दो साल के अंदर जल्द ही आ सकता है फाइव अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए क्योंकि सस्ता और महंगा ये दोनों ही बजट में भी फ़ोन लॉन्च हो चुके हैं चाहे आप ऊपर बजट में जाएं या फिर नीचे बजट में आए दोनों ही कैटेगरी में आप लोगों को 5G फोन मिल जाता है तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अब आपको कौन सा फ़ोन लेना है सस्ता 5G स्मार्टफोन लेना है या फिर महंगा यहाँ पर Redmi भी आप लोगों के लिए Redmi Note 10 5G या Redmi Note 10 Pro 5G के नाम से एक 5G स्मार्टफोन लाने वाला है तो अगर देखें तो यहाँ पर आप लोगों को सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा ले तो मेरी राय अगर आप माने तो आपको लेना चाहिए एक सस्ता 5G स्मार्टफोन, जिससे कि आपके पैसे भी कम खर्चा होंगे और आपका जो फ्यूचर है वो भी सिक्योर और प्रूफ हो जाएगा जिससे कि आप आगे जो है उस फ़ोन को यूज़ कर पाएंगे और कम कीमत में भी लेने के बावजूद आप 5G यूज़ कर रहे होंगे जिससे कि आपका ज़्यादा पैसा भी नहीं खर्चा होगा और आपको ज़्यादा महंगा फ़ोन भी नहीं लेना पड़ेगा तो मेरी माने तो यहाँ पर आप फाइव स्मार्टफोन लें तो यहाँ पर आज के इसी वीडियो में इसी तरह से आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कुछ सस्ते 5G स्मार्टफोन तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आप लोगों को ये सबसे पहले हमारा जो सबसे सस्ता स्मार्टफोन है वो आता है ओप्पो की तरफ से A53s। ये फाइव जी स्मार्टफोन है इसमें आप लोगों को एक अच्छा प्रोसेसर मिल जाता है और आप लोगों को बाकी अदर चीजें भी बहुत ही अच्छी मिलती है यानी कि स्पेक्स के मामले में ये फोन बहुत ही अच्छा निकल कर आता है और प्राइस भी बहुत ही कम है ये फ़ोन आप लोगों को सबसे सस्ता फ़ोन मिलता है चलिए जानते हैं इस फोन के स्पेक्स और प्राइस भी आप लोगों को बता देते हैं इस फोन में आप लोगों को ओक्टा को टू पॉइंट टू गिक्स का मीडियाटेक टेक डायमेंसिटी सेवन हंड्रेड सीरीज़ देखने को मिलती है जो कि सिक्स जी बी रैम और एक सौ अट्ठाईस जी बी के इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है ये फ़ोन देखने में फ़ोन बहुत ही स्टाइलिश और बेहतरीन लगेगा आप लोगों को एजेस और एजेजोचिन पतले मिलते वाटर ड्रॉप नॉज डिस्प्ले देखने को मिलती है इस फोन में आप लोगों को 6.52 पॉइंट फाइव की एच डी प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है 60 हर्ट्स के रिफ्रेश रेट के साथ जहां पर अगर कैमरे की बात करें तो इस फोन में आप लोगों को थर्टीन प्लस टू प्लस टू मेगा का आप लोगों को ट्रिपल कैमरा मिलता है एल फ्लैश के साथ और एट मेगा का फ्रंट में कैमरा देखने को मिलता है वहीं पर अगर बैटरी की बात करें तो फाइव थाउजेंड की बैटरी आप लोगों को इस फोन में मिलती है और यजबी टाइप सी और फिंगरप्रिंट सेंसर फाइव जी सपोर्ट और डुअल सिम का सपोर्ट आप लोगों को मिल जाता है जहां पर अगर इस फोन की प्राइस की बात करें तो ये फोन आप लोगों को चौदह हजार नौ सौ नब्बे रुपए की कीमत में मिल जाता है तो ये एक बहुत ही सस्ता फोन है तो दूसरा फोन हमारा निकल कर आता है यहां पर Realme की तरफ से और ये भी फोन बहुत ही सस्ता है जो कि Realme 8 5G के नाम से आता है इस फोन में आप लोगों को कम माल के स्पेक्स मिल जाती है और फोन देखने में बहुत ही स्टाइलिश लगता है चलिए जानते हैं इस फोन के स्पेक्स और प्राइस Realme 8 5G की अगर बात करें तो इस फोन आप लोगों को ओक्टा को टू पॉइंट के मीडिया टेक डायमेंसिटी सेवन हंड्रेड यू के साथ आप लोगों को मिलता है जहां पर आप लोगों को 4GB रैम और 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है 6.5 पॉइंट की फुल एच डी नाइन्टी हेड्स के रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले मिलती है फोन देखने में बहुत ही स्टाइलिश लगता है एजेस और चिन्ह बहुत ही पतले तो फ्रंट में कैमरा देखने को मिलता है तो कैमरा परफॉर्मेंस बहुत ही लाजवाब मिलती है। इस फोन में फोन देखने में बहुत ही स्टाइलिश लगता है वहीं पर अगर बैटरी की बात करें तो इस फोन में आप लोगों को फाइव थाउजेंड एमएच की बड़ी बैटरी क्विक चार्जिंग का ऑप्शन और जहां पर आप लोगों को फिंगरप्रिंट सेंसर और फाइव जी सपोर्ट आप लोगों को इस फोन में मिल जाता है और अगर इस फोन की प्राइस की बात करें तो इस फोन आप लोगों को पंद्रह हजार रुपए की कीमत में मिल जाता है आराम से इस फोन को आप बाय कर सकते हैं थोड़ा सा और बजट अगर इंक्रीज करेंगे दो हजार रुपए तो आप लोगों को यहाँ पर Realme की तरफ से Narzo 30 Pro फोन मिल जाता है इस फोन में आप लोगों को कमाल के स्पेक्स मिलती है 5G फोन है और फ्यूचर प्रो फोन बन जाता है अगर आप सत्रह हज़ार रुपये लगा देते हैं क्योंकि एक बहुत ही अच्छा फोन है गेमिंग करना हो और आप लोगों को मूवी वगैरह देखना हो या फिर डे बाई डे में यूज़ करना तो बहुत ही जबरदस्त फोन निकल कर आता है चलिए जानते हैं इस फोन के स्पेक्स और प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑक्टा को टू पॉइंट फोर की इसका मीरा टेड डायमेंसिटी एट हंड्रेड सीरीज आप लोगों को मिलती है जो कि आप लोगों को सिक्स जी बी रैम और चौसठ जी बी के इंटरनल स्टोरेज के साथ आप लोगों को मिलता है फोन देखने में बहुत ही स्टाइलिश और बेहतरीन लगता है फ्रंट और बैक से बात करें अगर डिस्प्ले की तो सिक्स पॉइंट फाइव इंचज की फुल एच डी डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि

हज़ार की कीमत में आप इस फोन को बाय कर सकते हैं तो कम कीमत कम बजट यानी कि पंद्रह से सत्रह हजार रुपये की कीमत में अगर आपको 5G मिल रहा है और आपका फ्यूचर प्रूफ हो रहा है सिक्योर हो रहा है तो आप इन फोन्स के साथ जा सकते हैं और इन फोन्स में आप लोगों को अच्छा कैमरा परफॉर्मेंस भी मिल जाती है इन फोन्स में आप लोगों को अच्छी डिस्प्ले भी मिल जाती है 90 हर्ट्स और 120 ट्वेंटी का रिफ्रेश रेट भी मिल रहा है प्रोसेसर भी बहुत ही अच्छे हैं जिनमें आप गेमिंग भी आराम से कर सकते हैं और कैमरा परफॉर्मेंस भी लाजवाब मिलती है जिससे कि आप अच्छे अच्छे पिक्स भी ले सकते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को कौन सा फ़ोन इनमें से सबसे बेस्ट लग रहा है आप कौन सा लेने को सोच रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग बाई टेक केयर एंड जय